हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप समझ गए हैं कि आज है करवा चौथ स्पेशल वीडियो, और मैंने क्रिएट किया है ये लुक करवा चौथ मेकअप ट्यूटोरियल। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं आपको दे देती हूँ बधाई करवा चौथ की, सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ को, मेरे फ्रेंड्स को, सिस्टर्स को, सबको हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। आपका करवा चौथ बहुत 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 अच्छा हो, शुभ हो, और माता गौरी आपके सुहाग को लंबी उम्र दें और आप दोनों का प्रेम बनाए रखें। ऐसी मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए और खुद के लिए भी। तो चलिए देख लेते हैं मेकअप ट्यूटोरियल, बिकॉज इनमें बहुत सारे एफर्ट लगते हैं। आई होप आप देख के समझ रहे होंगे, और प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को पूरा देखना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला स्टेप ये है कि अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। यहाँ पे मैं बायोटिक का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो है आप उससे अपने फेस को क्लीन करें, जिससे एक्सेस ऑयल, डर्ट, पोल्यूशन सब निकल जाए, एकदम क्लीन क्लीन आपका फेस हो जाएगा। इसके बाद यूज़ करती हूँ मैं टोनर का। तो टोनर आपके पास जो भी है आप ले सकते हो, मैं बायोटिक के ही सारे प्रोडक्ट आज यूज़ कर रही हूँ। स्किन केयर बहुत ज़रूरी पार्ट है, तो वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, डायरेक्ट मेकअप नहीं करना है। अब बारी आती है सीरम की। मैं यहाँ बायोटिक का ही सीरम यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी सीरम या कोई फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता हो। और अब बारी आती है लिप्स की। तो लिप्स पे मैं बायोटिक का ही लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। लिप्स को बिल्कुल भूलना नहीं है, इन्हें बिल्कुल अच्छे से हाइड्रेट करके रखना है, वरना आपकी स्किन या लिप्स कुछ भी ख़राब हो सकते हैं मेकअप से। तो स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मॉर्निंग नेक्टर। जी हाँ, ये बायोटिक का ही मॉइस्चराइज़र है और बहुत ही अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र है, और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो अच्छे से अप्लाई कर लेना है। स्किन हमारी एकदम स्मूथ हो गई है, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कंसीलर का। तो थोड़ा बहुत ही हल्का सा मैंने कंसीलर लिया है, और जिससे मैं हाइड कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल्स को। जी हाँ, डार्क सर्कल या स्पॉट्स, कुछ भी थोड़े बहुत से फाइन लाइंस, जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी ये सबको कंसील कर देगा। तो इस तरह से कंसीलर लेकर के फिर मैं अपने फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज आईज़ के अराउंड बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है और मुझे कोई भी ब्रश वगैरह यूज़ करना उतना पसंद नहीं है। तो मैं इसे अपने फिंगर से बहुत अच्छे से और बहुत ईजीली अप्लाई कर लेती हूँ। इसके बाद बारी आती है पाउडर सेटिंग की। तो मैं लैक्मे का ही लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। एक फ्लफी ब्रश से सेट कर लिया है मैंने अपने आई एरिया को। तो अब बारी आती है आईब्राउज़ को फिल करने की। तो इन्हें फिल करने के लिए और अच्छा डिफाइन शेप देने के लिए पहले स्पूली से इन्हें कॉम कर लें, और उसके बाद जो है मैंने ब्लैक कलर पिक किया है, और यहाँ पे मैं मैक का आईब्रो फिलर यूज़ कर रही हूँ। तो इस किट में कई सारे कलर दिए होते हैं, जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है यहाँ पे, और अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर लें आईब्राउज़ को। ये बहुत ही अच्छा लुक देती हैं आँखों को, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं आपकी आँखें। इसके बाद मुझे थोड़ी सी कुछ कमी लग रही थी, जिसके लिए मैं दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर का, और आईब्राउज़ के अराउंड भी लगा रही हूँ उसको, ताकि बहुत ही अच्छा सा डिफाइन सा शेप निकल के आए, एकदम क्लीन लुक मिले। आईब्राउज़ को भी इन्हेंस हो जाएंगी इस तरीके से आईब्राउज़ अप्लाई करने के बाद, अगर आप कंसीलर अप्लाई करते हो तो। फिर मैं उसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर से पाउडर सेटिंग करनी है। अगेन लूज़ पाउडर से, फ्लफी ब्रश से आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिए, ताकि एक कैनवास तैयार हो जाए आपका ड्राइंग करने के लिए। तो कुछ उस तरीके से ही हमें करना है। अब मैंने सेलो टेप लगा लिया है अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर पे। उसके बाद मैंने पिक किया है अपने मिस गोल्ड की किट से आई शेडो, जो कि है एकदम स्किन कलर का है, बहुत ही लाइट सा ब्राउन, कुछ डस्की सा है, और इसे मैंने अप्लाई किया है अपनी पूरी आईलेट्स पे। इसके बाद मैंने पिक किया है एक मरून शेड, ये सिंपल सा प्लेन वाला मरून शेड है आई शेडो का, और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर से
सेंटर तक, आईलेट के सेंटर तक लगा रही हूँ मैं से, और पूरी आईलेट पे अप्लाई नहीं करना है। और कुछ इस तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश लिया है मैंने छोटा सा, तो इससे ये एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाती है। तो इस तरह से आपको डेप्थ देते हुए इसको अप्लाई करना है, जिससे आपकी आंखें थोड़ी गहरी सी लगेंगी और सही शेप आएगा आईलेट का। उसके बाद मैंने ग्लिटर वाला आई शेडो लिया है, ये भी डार्क मरून कलर है, जिससे मैं अपने आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ आईलेट के, और फिर इसे अंदर की तरफ हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसे भी मैं सेंटर तक ही ले जा रही हूँ, पूरी आईलेट पे इसे भी नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पे एक राउंड ब्रश लिया है और इसमें मैंने गोल्डन ग्लिटर कलर लिया है, ये ग्लिटर आई शेडो है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसे इनर कॉर्नर से सेंटर से इनर कॉर्नर तक लगाना है। सेंटर पे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लगाना है और इनर कॉर्नर की तरफ लाइट करते जाना है। और सेम शेड ही जो हमने ऊपर यूज़ किए हैं, वो आँख के नीचे की तरफ भी हल्का हल्का सा उसको यूज़ करना है, इससे लुक बहुत अच्छा आता है। अब मैंने लिया है यहाँ पे एक कलर एसेंस का मरून कलर, बहुत ही प्यारा वाला मरून है बिल्कुल, बिकॉज़ मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल भी कलर नहीं मिल पा रहा था, वो लुक निकल के नहीं आ रही थी। एक्चुअली कैमरे पे जब दिखना होता है तो फिर मेकअप थोड़ा सा लाउड होता है, थोड़ा डार्क होता है, और रियल में हम थोड़ा लाइट मेकअप करते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और एग्जैक्ट मैचिंग का कलर, कलर एसेंस वाला जो है ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेडो, और मुझे जैसा कलर चाहिए था वैसा मिल गया है। इसके बाद मैंने फिर ग्लिटर लिया है और उसे अपनी फिंगर से ही आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ मैं, से फिंगर से ही, और फिंगर से भी बहुत अच्छे से आईलेट पे ग्लिटर वगैरह लग जाते हैं। तो कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और अब मैं सेलो टेप निकाल दूँगी और इससे बहुत ही अच्छा सा शेप मिल जाता है आई शेडो को, वो एक्स्ट्रा कुछ भी बाहर नहीं निकलता है। जो भी एक्सेस है उसे मैंने ब्रश से क्लीन कर दिया है। और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर का। जी हाँ, मेकअप प्राइमर बहुत ही ज़रूरी होता है लगाना फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने से पहले, तो इससे बहुत ब्राइटन अप हो जाता है आपका मेकअप और स्किन ग्लो करने लगती है, और बहुत ही अच्छे से स्मूथली मेकअप जो भी फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर रहे हो बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से डॉट डॉट करके आपको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है अपना फाउंडेशन। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन, आइवरी शेड है जिसका, तो मुझे ये वाला फाउंडेशन पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत अच्छे से इजीली जल्दी से ही ब्लेंड हो जाता है। तो इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, पूरे फेस पे से ऐसे ब्लेंड करते जाना है। और ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है मेकअप का, और सबसे ज़्यादा टाइम भी आई मेकअप के बाद सबसे ज़्यादा टाइम ब्लेंडिंग में ही लगता है, जो कि अगेन बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है। तो बस ब्लेंड अच्छे से करो, मज़े से करो, टाइम लेके करो, थोड़ा पेशेंस रख के, तो आपका मेकअप बिल्कुल भी क्रैकी सा या फाउंडेशन आपका जो हो जाता है ना क्रैकी सा केकी सा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो बहुत ही स्मूथ लगेगा एकदम। तो बस इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है प्रॉपर, और उसके बाद जिन भी जगहों पे आपको अभी भी स्पॉट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं फेस पे, तो वहाँ वहाँ आप कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। तो सारे डार्क स्पॉट्स को कंसील करने के बाद बारी आती है कॉन्टोर की। तो जी हाँ, फेस की कंटूरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। आप चाहें तो कंसीलर करने के बाद आप कंटूरिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ NY की कंटूर स्टिक, और इससे आप अपने फेस को एकदम शार्प लुक दे सकते हैं, अपने फीचर्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ जॉ लाइन पे, ब्रिज ऑफ नोज़ पे, फोरहेड पे, तो कुछ इस तरीके से जिन भी पार्ट्स को आप अच्छे से शेप में दिखाना चाहते हैं, शार्प लुक देना चाहते हैं, वहाँ पे आप कॉन्टोर स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसे ब्लेंड कर लेना है। तो अभी हम
दो चीज़ें एक साथ यूज़ कर रहे हैं दो प्रोडक्ट्स को, तो हमें ब्लेंडिंग के टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जहाँ पे कंटूरिंग हुई है उसे वहीं पे ब्लेंड करें, कंसीलर जहाँ लगाया है उसे भी वहीं पे ब्लेंड करें। मतलब ब्यूटी ब्लेंडर को बिल्कुल डैब डैब मोशन में यूज़ करना है अपने फेस पे, बिल्कुल भी इसको घसीटना नहीं है एक जगह से दूसरी जगह, अदरवाइज़ आपका पूरा लुक बिगड़ सकता है। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छे से प्यार से आपको ब्लेंडिंग करनी है अपने मेकअप की। टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बहुत पेशेंस रख के आराम से कर लेना, और कुछ इस तरह से आपका एकदम क्लीन और स्मूथ लुक आ जाएगा। इसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटू सा फ्लैट ब्रश लेके थोड़ा सा कंसीलर बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है, और उससे मैं अपनी आई विंग्स जो बने हुए हैं उनके साइड में ऐसे लगा रही हूँ ताकि जो आई मेकअप है वो एकदम नीट एंड क्लीन लुक आए। उसके बाद इसे पाउडर सेटिंग कर रही हूँ लूज पाउडर से, कुछ इस तरह से। देखिए पूरा लुक एक कंप्लीट हो गया है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे एक बहुत ही छोटे से ब्रश से हाइलाइटर यूज कर रही हूँ ब्राउज बोन पे। तो हाइलाइटर लगाने के बाद अब आती है बारी बेकिंग की, यानी कि पाउडर सेटिंग भी आप बोल सकते हो। तो वो मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे अपना मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट, जिससे मैं यहाँ पे अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। अब आती है बारी ब्लश की। तो अपना जो ब्लश मैंने यूज़ किया है वो मरून शेड से थोड़ा सा मैच करता हुआ लाइट सा शेड लिया है, और इसे कुछ इस तरीके से आपको पाउट करते हुए अपने चीक्स पे यूज़ करना है। बट सेंटर में नहीं लगाना है, चीक से लेके आपको कान की तरफ पीछे की तरफ ले जाते हुए ब्रश को, और राउंड राउंड ब्रश को घुमाते हुए कुछ इस तरह से ब्लश लगाना है। तो ये बहुत ही हल्का सा यूज़ करना है, बहुत ही नेचुरल लगेगा। इसके बाद एक फैन ब्रश की हेल्प से मैं लगा रही हूँ यहाँ पे हाइलाइटर। तो आपने जहाँ पे ब्लश लगाया है ठीक उसके ऊपर अपने चीक्स की जो बोन है उनको हाईलाइट करना है, और हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ मैं अपने फॉरहेड पे, ब्रिज ऑफ नोज़ पे, चिन पे, और लिप्स के ऊपर भी लगाना है थोड़ा सा, और हाँ इनर आई कॉर्नर पे भी लगाना है। तो इनर आई कॉर्नर पे लगाना भूलना नहीं। और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर, जी हाँ आई लाइनर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं NY का, लेकिन ये छोटू वाला आइलाइनर मैंने मंगाया है, लेकिन इसका एप्लीकेटर इतना बेकार था, इतना मोटा सा एप्लीकेटर था कि जो मेरे पास पहले से NY का आईलाइनर है उसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, तो मैं प्रोडक्ट वही यूज़ कर रही हूँ बट एप्लीकेटर दूसरा वाला यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से मैं ये विंग वाला आईलाइनर बना रही हूँ, तो बहुत खूबसूरत लगता है विंग आईलाइनर। और कुछ हैवी मेकअप पे कुछ इस तरह से थोड़ा सा मोटा सा आईलाइनर लगाएं, थोड़ा हैवी लुक देता है आई मेकअप को, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का मस्कारा। तो इसे मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का मस्कारा, ये मेरी न्यू परचेज़ है। फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद मैंने लगभग इस मेकअप को 4 घंटे तक रखा है, तो ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है और लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा प्रोडक्ट है। तो अब बारी आ जाती है लिपस्टिक अप्लाई करने की। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो है कलर्स क्वीन ब्रांड से, और कलर्स क्वीन का ये शेड है 20 रॉयल मरून, बहुत ही प्यारा सा मरून शेड है, बहुत ही रिच मरून है, बहुत ही प्यारा लगता है। साथ में मरून कलर की बिंदी लगा ली और हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है अभी यहाँ पे। तो चलते हैं लुक को कंप्लीट करने की ओर, और इस लुक को करने के लिए मैंने यहाँ पे वेयर की है मरून कलर की साड़ी और प्लेन मरून कलर का ब्लाउज़ है जो कि मैंने मीशो से परचेज़ किया है, बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ है ये। साड़ी जो है वो मेरी मम्मा की साड़ी है, इस बार मैं गई थी तो मम्मी की 2-3 साड़ियाँ लेकर आई थी, बिकॉज़ मुझे कुछ मेकअप लुक करने थे, लेकिन सब में मेरी ये वन ऑफ फेवरेट है, और आई थिंक ये मम्मी की शादी की साड़ी है, तो बहुत ही पुरानी साड़ी है लेकिन बेहद खूबसूरत है और बहुत अच्छी लगती है आज भी।
तो मैं इसे फर्स्ट टाइम वेयर कर रही हूँ। इसके साथ मैंने जो भी ज्वेलरी पहनी है उसे मैंने मीशो से परचेज किया है, और बैंगल्स वगैरह मेरे पास पहले से ही हैं, तो उन सबको यानी कि गोल्डन, मरून और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन तैयार करके मैंने कुछ इस तरह से बैंगल्स का सेट तैयार कर लिया है। हेयर स्टाइल में मैंने सिंपल बन बनाया हुआ है और सिंदूर डाला हुआ है मांग में, तो बन में जो गजरा लगाया हुआ है वो भी मीशो का ही है। तो इस लुक को करने के लिए कुछ चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी और कुछ मैंने अरेंज की हैं, तुरंत परचेज़ की हैं। तो इस तरीके से ये लुक कंप्लीट हो जाता है। और अब मैंने रिंग पहन ली है और मैं पहन रही हूँ बाजूबंद। तो ये देखिए, यहाँ पे मांग टीका लगा लिया है और नथ पहन ली है, बहुत ही हैवी सी नथ है, रजवाड़ो माली राजस्थानी नथ, और गजरा लगा लिया है। तो ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, बिकॉज़ ये लुक होता है करवा चौथ का कंप्लीट लुक, क्योंकि इसमें 16 श्रृंगार किए जाते हैं। तो 16 श्रृंगार में आपका नथ, मांग टीका, गजरा, बाजूबंद, कमरबंद यानी कि गर्दनी वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये लुक हो गया है कंप्लीट, और अब आप इन्जॉय कीजिए कुछ क्लोज़अप लुक्स को, ब्यूटी शॉट्स को और कुछ वीडियोज़ को। हेलो, तो अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपने वीडियो पूरा देखा है तो आई होप आपको मेरे एफर्ट्स ज़रूर पसंद आएंगे। मेरा ये पूरा कंप्लीट मेकअप लुक
मेकअप ट्यूटोरियल ज़रूर पसंद आएगा। जैसे मैंने अपनी मम्मा की साड़ी पहन के क्रिएट किया है, तो आप भी मम्मा की साड़ी पहन के कुछ ऐसा सा लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत खूबसूरत साड़ियाँ होती हैं मम्मियों के पास। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी पसंद आया हो है, या फिर सिर्फ साड़ी ही क्यों ना पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, अपनी बहनों के साथ, भाभियों के साथ, सहेलियों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। और न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आपका कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मेरे लिए, और मैं आप सबके कमेंट के रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, आपको तो पता ही होगा ये चीज़। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करती रहिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी करवा चौथ।